बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह से अपने अकाउंट्स और इन्वेंट्री को कॉन्फ़िगर करते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। और व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हुए, यानी वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड करते वक्त, व्यूअर्स टैली के अंदर जर्नल एंट्री को हम वाउचर एंट्री के नाम से जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। वाउचर एंट्री के ऑप्शन को हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और व्यूअर्स इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन के मेन्यू में से वाउचर एंट्री के ऑप्शन पर डबल क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, मेरे पास बेसिकली दो कैटेगरीज में जो है वो अकाउंटिंग वाउचर्स आ गए हैं। एक तो हमारे पास हो गए इन्वेंट्री के वाउचर्स और एक हमारे अकाउंटिंग नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर्स। व्यूअर्स, सबसे पहला ऑप्शन इसमें यह स्किप डेट फील्ड इन क्रिएट मोड फास्टर एंट्री ओनली एंट्री येस और नो। व्यूअर्स, बेसिकली जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास एक डेट का ऑप्शन होता है जिस फील्ड में आपने डेट इंसर्ट करनी होती है। अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपके कंप्यूटर की डेट होगी वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैन्युअली तौर पर मुझे डेट जो है खुद से रिकॉर्ड करनी है उसमें, तो आप इस ऑप्शन को जो है वो नो कर दें, यानी आपको खुद से मैन्युअली डेट एंटर करना पड़ेगी उस सूरत में। उसके बाद व्यूवर्स, दूसरा ऑप्शन है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट और रिसीव इन कंट्रा। ये क्या ऑप्शन है व्यूवर्स? जब आप किसी शख्स को पेमेंट करते हैं या किसी शख्स से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसमें दो अकाउंट्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं, एक उस शख्स का अकाउंट और दूसरा आपका कैश का अकाउंट। तो व्यूअर्स, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ये सिंगल एंट्री मोड में पेमेंट्स ज़्यादा सेव की जाती हैं। सिंगल एंट्री मोड का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये जो है वो डिटेल इंसर्ट करते हैं कि आपने कितनी रकम वसूल की और किस शख्स से वसूल की। आप उसे जर्नल एंट्री की तरह डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड नहीं करते, यानी एक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और दूसरे अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर का काम ही है कि जब आप कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस शख्स का नाम, जो जिस शख्स का लेजर, जिस शख्स से आप पैसे रिसीव कर रहे हैं, जिससे आप सिलेक्ट करेंगे, वो भी इफेक्ट हो जाता है और आपका कैश अकाउंट भी ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये सिंगल एंट्री मोड में काम हो रहा होता है। हालांकि काम डबल एंट्री मोड में ही हो रहा होता है, लेकिन आपके सामने आप जिस अकाउंट को इफेक्ट कर रहे होते हैं, आप सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर की वजह से आपका दूसरा अकाउंट यानी कैश का अकाउंट खुद ब खुद इफेक्ट हो जाता है। इसी तरह यही अहवाल पेमेंट्स के साथ और कंट्रा एंट्रीज के साथ है। अगर आप इसे यस कर देते हैं तो आपका, आप सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट आपका खुद ही इफेक्ट हो जाएगा, और जो कि स्टैंडर्ड वे भी है काम करने का। तो मैं इसे यस ही रहने देता हूं, यानी मैं सिंगल एंट्री मोड में ही काम करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको फिर बता दूं, सिंगल एंट्री मोड का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम सिंगल एंट्री के तहत अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। हम प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम के तहत अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होंगे, लेकिन जब हम कोई पेमेंट करेंगे, जब हम कोई रिसीट रिकॉर्ड करेंगे, तो हम सिर्फ एक अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, बाय डिफॉल्ट दूसरा अकाउंट खुद ब खुद इफेक्ट हो जाएगा। अभी बस उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है शो इन्वेंटरी डिटेल्स। इससे क्या मुराद है व्यूअर्स? आप अपने लेजर्स के अंदर अपने इन्वेंटरी की डिटेल देख सकते हैं कि आपके कौन सी इन्वेंटरी कितनी अमाउंट में, कितनी वैल्यू में, कितने नंबर्स में आपके पास कौन सी इन्वेंटरी पड़ी हुई है। डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, मैं इसे बाय डिफॉल्ट यस रहने देता हूं। और उसके बाद व्यूअर्स, शो टेबल ऑफ बिल डिटेल्स फॉर सिलेक्शन। अगर आप किसी एक शख्स का लेजर सिलेक्ट करते हैं तो उसके साथ अब तक आपकी जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, जर्नल एंट्री, बेसिकली जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होंगे व्यूअर्स, जर्नल में आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो किसी एक शख्स का आप जब लेजर सेलेक्ट करेंगे तो नीचे उसकी डिटेल आ सकती है। अगर आप चाहें, ये ऑप्शनल है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसकी पिछली जो है वो हमारे साथ एक्टिविटी क्या है, कब कब हमने इसको पेमेंट किया है, कब कब हमने इसे पेमेंट रिसीव की है, तो आप इसे यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पर मुनहसर है व्यूअर्स। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो बिल वाइज डिटेल। ये ऑप्शन भी व्यूअर्स पिछले ऑप्शन से मिलता जुलता ही है। पिछले ऑप्शन में सिर्फ आपको, यानी शो टेबल ऑफ डिटेल्स, टेबल ऑफ बिल डिटेल्स में सिर्फ वो बिल्स दिखा था जिसमें जो है वो उसने हमें पेमेंट्स की होती या हमसे रिसीट्स ली होती। लेकिन अगर आप शो बिल वाइज डिटेल को सिलेक्ट करते हैं, यस कर देते हैं, तो व्यूअर्स वो आपको हर एक इंडिविजुअली बिल की डिटेल भी दिखाएगा। लेकिन मैं इसे नो कर देता हूं क्योंकि मुझे इतनी डेप्थ में नहीं जाना जब मैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। और नेक्स्ट है व्यूअर्स आपके पास शो लेजर करंट बैलेंस। जब आप कोई लेजर अकाउंट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो मौजूदा बैलेंस है, क्या आप चाहते हैं कि वो आपको नजर आए? अगर आप इस ऑप्शन को यस रहने देते हैं तो वो आपको बैलेंस नजर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट, यानी जिस तारीख को आप वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हैं उस तारीख पर उस आइटम का बैलेंस क्या है, ये आप देखना चाहेंगे। इसमें आप यस या नो कर सकते हैं व्यूअर्स। अब शायद यहाँ पर कुछ व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अब पहले ही देख चुके हैं शो लेजर करंट बैलेंस, क्या करंट बैलेंस और ऑन वाउचर डेट का बैलेंस डिफरेंस होगा? व्यूअर्स डेफिनेटली ये डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक ट्रांजेक्शन 3 तारीख को जो है वो वकूफ पजीर हुई, लेकिन आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 तारीख को, तो आपकी वाउचर एंट्री की डेट है 7।
लेकिन बेसिकली उस ट्रांजैक्शन की जो वकूफ जीरो होने की अकर होने की डेट है वो है 3। तो अगर आप शो लेजर करंट बैलेंस को सिलेक्ट करते हैं, यानी इससे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें जो कि यस था, तो व्यूअर्स आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त उस वक्त तक की जो आपके लेजर की डिटेल होगी वो नजर आएगी, उस वक्त तक का बैलेंस नजर आएगा। लेकिन अगर आप शो लेजर बैलेंस एज ऑन वॉचर डेट कर रहे हैं, तो आप वॉचर डाल रहे हैं 3 तारीख को, तो 3 तारीख का जो बैलेंस था उस लेजर का वो आपको नजर आने लगेगा। तो आप इसे येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। और व्यूअर्स नेक्स्ट है आपके पास यूज पेमेंट रिसीट एज कंट्रा। ये ऑप्शन कंट्रा से मुराद ये होता है व्यूअर्स जो एक दूसरे के उलट होते हैं, यानी कि आप पेमेंट्स और रिसीट को एक दूसरे के कंट्रा के तौर पर यूज करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट ये नो है, आप इसे नो ही रहने दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल, यानी जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो क्या आप कैश के अकाउंट को इफेक्ट कर सकते हैं, क्या आप कैश के अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स मैं इसे यस करूंगा क्योंकि मैं सम टाइम कुछ जर्नल एंट्रीज में कैश अकाउंट को जो है वो इफेक्ट करता हूँ, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में कैश का अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ करता। उसकी वजह यह है जब आप पेमेंट करते हैं तो आप वो जर्नल एंट्री के तहत नहीं करते, जब आप रसीट्स करते हैं तो आप जर्नल एंट्री के तहत नहीं करते, तो मेनली जो कैश इफेक्ट हो रहा होता है वो रसीट्स एंड पेमेंट के तहत हो रहा होता है। इसलिए आप अगर इसे नो कर देंगे तो आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त कैश का लेजर नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं तो यस करता हूँ क्योंकि सम टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ भी सकती है। और व्यूअर्स यूज क्रेडिट डेटर डेबिट इंस्टेड ऑफ टू ओ बाय ड्यूरिंग एंट्री, हम इसे यस कर देते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बेसिकली आप जो है वो टू और बाय का एक ऑप्शन जो है ब्रिटिश अप्रोच के तहत यूज किया जाता है। जब आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसके साथ टू और जो क्रेडिट होता है उसके साथ बाय लग जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ टू और बाय के बजाय क्रेडिट और डेबिट का जो वर्ड है वो यूज हो, डेबिट और क्रेडिट के सिंबल जो है वो यूज हो, तो मैं इसे यस कर देता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वॉन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। जी हाँ, आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने लगे हैं और आपने जब उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आपका कैश का बैलेंस नेगेटिव में चला गया, तो क्या कंप्यूटर आपको इंटीमेट करे। मिसाल के तौर पर आपके पास कैश का जो बैलेंस था वो 50,000 था, लेकिन आपने 60,000 की किसी को पेमेंट कर दी, तो डेफिनेटली आपका कैश का बैलेंस नेगेटिव हो गया। तो क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टैली आपको ये इन्फॉर्म करे कि आपका कैश का बैलेंस नेगेटिव में चला गया, तो डेफिनेटली मैं इसे यस रहने देता हूँ। और व्यूअर्स उसके बाद है प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट्स एंड रिसीट। आप व्यूअर्स किसी बिल की ड्यू डेट के तहत आपने कोई चीज़ परचेज की है और आपको मालूम है कि मुझे इसकी पेमेंट करनी है आफ्टर 8 डेज, तो उसको आप प्री एलोकेट भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल चीज़ है जिसे मैं फिल वक्त नो रहने देता हूँ। और व्यूअर्स जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो क्या आपके एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स जो है वो वहाँ पर आपको अकाउंट्स नज़र आने चाहिए या नहीं, ये आपकी मर्जी पर मुनहसर है, लेकिन मैं इसे यस कर देता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर चाहता हूँ कि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त मुझे जहाँ दूसरे अकाउंट्स नज़र आए वहाँ पर मेरे फिक्स्ड एसेट्स और परचेजेस के भी अकाउंट जो है वो नज़र आने चाहिए। उसके बाद अलाउ इनकम अकाउंट्स इन सेल्स वाउचर। व्यूअर्स इससे क्या मुराद है, जब आप सेल्स वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या आपकी जो इनकम्स के जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपको नजर आने चाहिए वहाँ पर या नहीं नजर आने चाहिए। ये व्यूअर्स इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उस वक्त अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब हम मैनुअली काम कर रहे होंगे, हम इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज के अंदर डाटा रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उस वक्त हमारे पास ज़्यादा सही तरीके से हमारी ग्रिप होगी इन ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि फिल वक्त हमें वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे यस कर देता हूँ कि जब मैं इनकम अकाउंट्स को जो सेल्स वाउचर को रिकॉर्ड करूँ तो मुझे मेरे इनकम अकाउंट्स नजर आना चाहिए। व्यूअर्स इसी तरह हमारे अकाउंटिंग इन्वेंट्री वाउचर्स के हवाले से व्यूअर्स कुछ ऑप्शंस हैं, मसलन यूज रेफरेंस नंबर इन जर्नल एंट्री। यस, मैं रेफरेंस नंबर एंटर करना चाहता हूँ जब मैं कुछ जर्नल एंट्री करूँ स्टॉक के हवाले से, यानी अपनी स्टॉक मर्चेंडाइज के हवाले से। वॉन ऑन नेगेटिव बैलेंस, डेफिनेटली अगर आपके पास किसी आइटम का बैलेंस नेगेटिव हो जाए, यानी आपके पास एक आइटम 10 यूनिट्स पड़े थे लेकिन आपने सेल कर दिए 15 यूनिट, तो स्टॉक में 10 यूनिट पड़े तो 5 यूनिट नेगेटिव डेफिनेटली हो गए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि आपके पास 10 यूनिट पड़े और आप 15 सेल कर रहे हो, लेकिन सम टाइम इन्वेंट्री श्रिंकेज की वजह से ऐसा हो जाता है। तो हम इसे यस कर देते हैं कि हमें वॉर्न करे हमारा सॉफ्टवेयर कि आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव चला गया इन्वेंट्री का। इसी तरह व्यूअर्स ऑनर एक्सपायरी डेट्स यूजेज फॉर बैचेज। आपके अगर आप अपने स्टॉक को आप अपने गुड्स को बैचेस के तहत रिकॉर्ड करते हैं, डिफरेंट बैचेस में आपकी चीज़ें आती हैं, तो आप और उसमें बैचेस में आप एक्सपायरी डेट भी एंटर कर देते हैं कि ये बैच इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, तो उस सूरत में आपको आपके जो एक्सपायरी आइटम है उसको खुद ब खुद टैली कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन मैं इसे नो कर देता हूँ क्योंकि मेडिसिन या दूसरी ईटेबल अशिया की सूरत में तो हमारी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन ज़्यादातर सूरतों में मोबाइल्स के अंदर जो है वो एक्सपायरी डेट का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है जैसा कि दूसरी आइटम्स में होता है। और शो बैलेंस एज ऑन वॉचर डेट,
अगर आप चाहते हैं कि आप जब कोई इन्वेंट्री परचेज करें या सेल करें तो उस वक्त तक का, उस वाउचर की डेट तक का जो बैलेंस है वो नज़र आए तो उसे आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे नो भी कर सकते हैं। तो मैं इसे यस कर देता हूँ व्यूवर्स और एंटर करता हूँ। तो व्यूवर्स, इस तरह से हमने अपनी इन्वेंट्री या जर्नल वाउचर एंट्री या जर्नल एंट्री का जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी उनको हमने सेट करना सीखा।